नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाई दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी 69,000 वैकेंसी वाला जो रिजल्ट के आप वेट कर रहे थे, वो आपका परिणाम इस वक्त में आ चुका है। और अगर इस परिणाम पर थोड़ा सा एक बार बैक में जाकर देखें, तो इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी जो थे 4,09,530 थे, जिसमें से 1,46,060 विद्यार्थी जो सफल हुए थे। और उसका जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि कल अनाउंस भी हो गया था कि हाँ, इस पर जो भी जजमेंट आना था वो आ चुका, और उसका परिणाम आज आपका आ चुका है। और उसका परीक्षा परिणाम देखने के लिए मैं बता देता हूं कि आप लोग इसको कहां से देखना चाहते हैं या किस तरीके से आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपकी वेबसाइट है गूगल पर जाइएगा, और गूगल पर जाकर आप ऊपर टाइप कीजिएगा ATREexam.upsdcgovernmentin, यानी कि ये यहां पर है जो मैं यहां अभी इसको सेलेक्ट किया है। तो इसको आप टाइप करके और उस पर जैसे ही एंटर करते हैं, तो आपका ये पहला पेज खुलकर आ जाता है। और इस पेज पर यहाँ लिखा हुआ है परिणाम, देखें तो यहाँ हम इस पर, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमें ये वाली सीट आपके सामने खुलकर आ जाती है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक रोल नंबर, अपना जो हमारा रोल नंबर है उसको फिल करना होगा। और इस रोल नंबर को फिल करने के लिए, उसको फिल करने के बाद हमें यहाँ पर इसके नीचे यहाँ एक कैप्चा दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, जो इसको यहाँ इस बॉक्स में टाइप करना है। तो मैं यहाँ इसको जैसे यहाँ एक रोल नंबर फिल करता हूँ, तो उसके बाद आपका एक रिजल्ट खुलकर आपके सामने आ जाता है। वो रिजल्ट जैसे कि अभी एक हमारे कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट है ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कैंडिडेट है, जिन्होंने हमारे यहाँ से, हमारे जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी की थी। क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी तैयारी कराई जाती हैं, हमारे यहाँ सी टेट की, यूपी टेट की, आर टेट की, पी टेट की, बी टेट की, बहुत सारे TET एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, सुपर टेट की भी, और जिसमें कि साइंस और EVS मैं पढ़ाता हूँ, और हमारे ललित जी जो हैं, ललित धमानिया जी, वो मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे जाकर देखते हैं, तो ये सीट आपकी खुलकर आ जाती है। थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा था उसमें, ठीक है, तो ये सीट आपकी खुलकर आ जाती है और यहाँ पर आपका रिजल्ट निकल आता है। यहां पर पहले कॉलम में आपका नाम होगा, दूसरे में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तीसरे में रजिस्ट्रेशन संख्या आती है, और उसके बाद में यहां पर आपकी नीचे क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड जैसा भी होता है, ये खुलकर आ जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और बाकी नए अपडेट जानने के लिए, जो जो नए अपडेट आते रहेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।